Hello guys, good evening. Hello everyone. Hopefully अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, एक बार कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है और मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को. ओके, थैंक यू एवरीवन. यस 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 यस. ओके, थैंक यू थैंक यू. ओके ग्रेट. कैसे हैं सर? आई होपफुली सभी ठीक होंगे. अभी मैं देख रहा हूँ दो हैंड रेज हैं अभी शुरुआत करने से पहले ही, तो अपने क्वेश्चन आप चैट में लिख सकते हैं. अगर कोई पहले से ही डाउट है तो उसको डाउट को ले लेते, नहीं तो हम एंड में लेते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं सेशन के एंड में. तो अगर आपके कोई डाउट है जो पहले सेशन से करने हैं तो हम वो भी ले सकते हैं. ये हमारा चौथा वेबिनार है. कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सब अगर आप बताएं. ओके, अकबर दिल्ली, लुधियाना, हरियाणा. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड. वैभव राजस्थान, कौशानी उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई. ओके, कानपुर. ग्रेट गाइस, बिहार से. ओके गुड गाइस, अच्छी डाइवर्सिटी है हमारी. सभी एक जगह पे हैं. बेंगलोर, ओके, इंदौर, मध्य प्रदेश, पुणे. गुड गाइस, थैंक यू. थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. नवी मुंबई. ओके ओके गाइस, चलिए स्लोली स्टार्ट करते हैं. थैंक यू, आपने सभी ने जवाब दिया यहाँ पर जो भी है. ये हमारी तीन वेबिनार, चार वेबिनार की सीरीज थी. जैसे कि आप जानते हैं जून में हर महीने चार वेबिनार करते हैं और एक वेबिनार जो हमारा मंथली होता है उसमें हम कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं. मैं सोच रहा हूँ जस्ट अभी हम स्टार्ट करने से पहले, क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई लाइव सेशन करें? आप चाहें हम यूएस सेशन, क्योंकि यूरो सेशन में तो शायद मोस्टली काम करते हैं, तो अगर कोई जॉब करता है या कुछ काम होता है तो दिन में हम नहीं कर पाते हैं. तो क्या आप चाहते हैं कि हम यूएस सेशन को करें, इन वेबिनार्स में कवर करने की कोशिश करें, तो कि हम लाइव पेयर्स को देख सकें, कुछ शेड देख सकें, क्या सेटअप देख सकें आप, तो बताइए मुझे. सर आपकी मैगडी स्ट्रेटजी बहुत वर्क हो रही है. ओके थैंक यू हिमांशु जी. यस 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 यस, गुड. थैंक यू गाइज. तो जस्ट मैं सोच रहा था, जस्ट आपसे आइडिया लेना चाहता था कि आप इंटरेस्टेड होंगे या नहीं हम उसको करने की सोच रहे हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो शायद हम नेक्स्ट मंथ से उसको इंक्लूड करेंगे, शायद फिर हम लाइव सेशन करें आपके साथ, है ना? फैंटास्टिक आइडिया, गुड. थैंक यू फॉर फीडबैक. ओके चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो यूएस सेशन, यस हाँ नरेश कुमार, हम यूएस सेशन की ही बात कर रहे हैं. यूरो सेशन में क्योंकि हमारा 12:30 बजे का टाइम होता है तो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं या कुछ काम कहीं पर होते हैं तो वो नहीं होता. मैंने यूरो सेशन एक बार यूट्यूब पर किए थे तो वहां पर काफी लोगों ने पूछा था यूएस सेशन बेटर रहेगा क्योंकि सब अपने घर पे रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ तो मतलब अपने काम निपटा चुके होते हैं और आप यूएस सेशन को ट्रेड भी कर पाते हैं जो लोग बाकी चीजों में बिजी रहते हैं, तो यूएस सेशन को हम ट्रेड कर सकते हैं या देख सकते हैं. ओके थैंक यू थैंक यू. चलिए तो कोशिश रहेगी हम अगले महीने में आप शायद उसको कवर करें और उसमें सेशन कवर करने की कोशिश करें. ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे चार वेबिनार थे. तीन वेबिनार हम अभी तक कर चुके हैं. साइकोलॉजी के ऊपर एक कर चुके हैं, हम फ्लैग पैटर्न पे एक कर चुके हैं, करेंसी कोरिलेशन पे एक हमारा जो पिछला थर्ड वेबिनार था, और ये चौथा उसी को कंटिन्यू करते हुए कि हम यहाँ फॉरेक्स करेंसी स्ट्रक्चर पे इसमें और थोड़ा उसको एडवांस हम जानेंगे डिटेल में कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज और चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे. ओके मैं सब मिस कर गया. ओके चैटिंग ठीक है. तो यस इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जैसे वो इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज के लिए, आप यहाँ से उससे सीखिए, जस्ट इसके बेस पे ट्रेड मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मत लीजिए. ओके ईशान त्याजी, पिछले वेबिनार का वीडियो कब आएगा? तो देखिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपको इस सैटरडे, इस फ्राइडे को मैं एक वीडियो डालूंगा, फिर नेक्स्ट को भी मैं तीसरा वीडियो डालूंगा. तो ये सभी सेशन वीक बाई वीक आपको सभी वहां पर मिल जाएंगे. ठीक है, ट्रेड को देखेंगे जब हम सेशन करेंगे तो हम वहां पर देखते हैं, अगर कोई सेटअप मिलता है देखेंगे लेके. ठीक है ओके गाइस, जैसे आप जानते हैं ये टेकमेल के साथ हमने यहाँ पर ये स्टार्ट किया है, तो एक अच्छा ब्रोकर है, मैं यूज करता हूँ. अगर आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप पहले से यूज कर रहे हैं ठीक है, आपको पता होगा क्या क्या चीजें इसमें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें जो आपको अच्छी लग सकती हैं. अकाउंट नहीं है, अकाउंट खोल सकते हैं. मेरे मेंबरशिप में खोलना है, मेरे लिंक में खोलना है. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए फिर मैं वहां पर हेल्प कर पाऊंगा आपको डिपॉजिट विड्रॉल में, तो लिंक जो है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है. कोई इशू आता है मुझे ईमेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मेरी ईमेल आईडी वहां पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है.
अभी यहाँ पर बात करेंगे, तो हम जस्ट पिछले से ही स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी पिछला सेशन किया था, कि हमने क्या क्या चीजें कवर की। हमने कौन सी कोरिलेशन पॉजिटिवली निगेटिवली किस टाइम फ्रेम में यूज करें, क्या स्टेबल है, कमोडिटीज कोरिलेटेड है या नहीं, और क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं। सभी को याद है जो हमने किया था, या कोई नए पर्सन है जो आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर वेबिनार, क्योंकि ये कनेक्टेड पिछले वेबिनार से ही हमारा है। ठीक है, तो आई होप सभी को यहाँ पर पता होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा थर्ड ये फोर्थ वेबिनार दोनों कनेक्टेड है। वहां पर थोड़ा हमने डिटेल में बात करी थी कोरिलेशन के, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिस वेबिनार कपिल चौहान। ओके, कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेबिनार में इसमें और करेंगे, और वो यूट्यूब पर आ जाएगा जो इससे पिछला वाला है, तो वहां पर आप जब इसको दोबारा देखेंगे, उसके बाद दोबारा इसको देखिएगा, तो आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। पर फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आप पहली बार भी हैं तो भी आप यहाँ पर कनेक्ट रहें, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिर के ऊपर से जाए। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होंगे एंड में, कोई भी डाउट होगा आप एंड में हम कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, तो कैसे ये करेंसी कोरिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है कोरिलेशन के और डिसएडवांटेज क्या है, और लिस्ट ऑफ कोरिलेटेड पेयर्स कौन से, टॉप कौन से पेयर्स हैं जो बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम सिंक रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले से सबसे पहले जस्ट एक ब्रीफ रिविजन में यहाँ पर करूंगा, करेंसी कोरिलेशन जो हमने बात की थी वहां पे, मैं थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूँ। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों करेंसी एक ही साथ में चले, तो यहाँ पर आप देखिए एनजेडी यूएसडी दोनों एक साथ चल रही हैं, अगर एनजेडी नीचे जा रहा है और यूएसडी भी नीचे जा, दोनों मतलब कि एक साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस तरीके से इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, कि दोनों करेंसी एक साथ दूसरे से कोरिलेटेड है। दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब कि एक करेंसी ऊपर की तरफ दूसरे नीचे की तरफ, मतलब दोनों अपोजिट साइड में चलती हैं, तो हम इनके बारे में बात करें कौन कौन सी करेंसी है सारा कुछ, तो दोनों करेंसी एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होती हैं, तो क्या चांसेस हैं, किस तरीके से उनको ट्रेड करना चाहिए, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि हाउ कैन यू यूज करेंसी कोरिलेशन, तो करेंसी कोरिलेशन किस किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं पहली बात करूं यहाँ पर हैज देयर ट्रेड्स, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं अगर व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करूं, मुझे बताइएगा जब आप व्हाइट बोर्ड देख पाए, क्या आप देख पा रहे हैं। ओके, यस यस यस, ओके थैंक यू। ओके गाइस, चलिए तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले हेजिंग के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए दो करेंसीज जो पूरी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, या तो पॉजिटिवली है नेगेटिव। अगर हम नेगेटिवली की बात करते हैं, कि मान लीजिए यूरो यूएसडी और यूएसडी स्विस फ्रैंक दोनों हमेशा अपोजिट चलते हैं या साथ में चलते हैं, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं क्या ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली। ओके, नेगेटिव 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 नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि सत्य है मेरे हिसाब में। ओके थैंक यू। तो अगर यूरो यूएसडी आपका ऊपर जा रहा है, तो मोस्टली यूएसडी स्विस फ्रैंक आपका नीचे जाता है, तो क्या होता है, आप इसको हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कि मान लीजिए मैंने यूरो यूएसडी में बहुत बड़ी पोजिशन, मैंने यूरो यूएसडी में बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पर ली हुई है, यहाँ पर एंट्री की हुई है, मेरा ट्रेड रन किया हुआ है, पर मेरे को लग रहा है कि अब ये नेगेटिव में जा सकती है, अगेंस्ट जा सकती है, तो दूसरे यूएसडी स्विस फ्रैंक जो कि नीचे जाता है, तो उसको हेज करने के लिए आप यहाँ पर कुछ पोजीशन अपनी उसमें भी बाय कर लेते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेटअप, अगर एक करेंसी वो आपके अगेंस्ट में जाए भी, एटलीस्ट वो दूसरी जगह पे आपको वहां पर कुछ सेटअप करके जाए, तो इस तरीके से आप इसको हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन दोबारा से शेयर करूं, ओके दूसरा है इंक्रीज द रिस्क, तो यहां पर क्या होगा, दूसरा इंक्रीज द रिस्क, तीसरा स्प्लिट द रिस्क, मैं इसको कवर कर लेता हूं पहले, और चौथा है आपका करेंसी कन्वर्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज द रिस्क, तो यहां पर मान लीजिए मैं दोबारा से शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड को, होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं इसको क्लियर करता हूं, यस विजिबल है ना। ओके, जैसे एक यस दे दीजिए। ओके ठीक है, तो इंक्रीज द रिस्क, मान लीजिए अगेन सेम दो करेंसी एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी,
दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं, ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती हैं, तो इंक्रीज द रिस्क, मान लीजिए मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इसमें भी एंटर कर लेता हूं और इसमें भी एंटर कर लेता हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, आप दोनों जगह पर रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि यूरो भी ऊपर जा रहा है, जीबीपी भी ऊपर जा रहा है, आपने यहां पर भी 50K का ऑर्डर लगा दिया, यहां पर भी 50K का ऑर्डर लगा दिया। अब अगर पॉजिटिव में गया फिर तो ठीक है, पर अगर निगेटिव में गया तो दोनों जगह पर आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका रिस्क भी ज्यादा लग जाता है। दूसरा, स्प्रेड द रिस्क, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं कि यूरो और जीबीपी, यहां पर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, यहां पर भी प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहां पर क्या है, मुझे एंट्री लेनी है, मैंने मान लीजिए 10 लॉट एंट्री लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप या तो यूरो यूएसडी में लूँ या जीबीपी यूएसडी में लूँ, किस में लूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मैं 5 लॉट यूरो यूएसडी में ले लेता हूँ, 5 जीबीपी यूएसडी में ले लेता हूँ, ताकि आप अपने लॉट को स्प्लिट कर सकते, कि मैं दोनों में लेता हूँ, कंफ्यूजन रहती है कि इसमें लूँ इसमें लूँ, जब आपको कोई डिसीजन ना लगे तो अपने जो भी आपने लॉट लेना था आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, 5 यहाँ पर ले लिए 5 यहाँ पर ले लिए, ताकि अगर मान लीजिए एक जगह पे टारगेट हिट तो है, दूसरी जगह पे सेम टाइम में नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, बिल्कुल 100% नहीं रहेगी, तो एक जगह पे हिट होता है दूसरी जगह पे स्लोली स्लोली वो हिट हो जाता है, एटलीस्ट आपको डायरेक्शन मिलती है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये होता है स्प्रेड द रिस्क। चौथा केस, अगेन यूरो जीबीपी, हमने ये ले लिया, ठीक है, सेम प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मुझे 10 लॉट एंटर लेने, मैं नहीं चाहता कि मैं स्प्लिट करूं, मैं चाहता हूं मैं केवल एक में ही लूं, मैं क्यों दो में लूं, मैं यूरो यूएसडी भी जा रहा है, जीबीपी दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैं एक में लेना चाहता हूं, अब मैं कौन से लूं, कौन सा बेटर है, तो यहां पर फिर एक करेंसी स्ट्रेंथ, वो एक टूल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंसी स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप करेंसी की स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं मूविंग एवरेज को यूज करके, वो 4 आवर का हो या डेली आवर, या फिर कोई भी वेबसाइट कहीं पर भी गूगल पे जस्ट सर्च कीजिएगा करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको पता चलता है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, कौन सी वीक जा रही है। तो एटलीस्ट वहां से अगर आपको पता चले कि मुझे 10 लॉट लेने थे, यूरो यूएसडी में भी आपको सेटअप मिल रहा है, मुझे एंट्री करनी है, जीपीपी में भी मुझे अब कौन से मिलू, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कोरिलेटेड रहते हैं, कोरिलेशन बहुत अच्छा चला हुआ है, अब मुझे सेटअप लेना है एक, तो वहां पर आप फिर करेंसी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से आपको पता चले कि यूरो यूएसडी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू जीबीपी यूएसडी के, तो फिर आप यूरो यूएसडी में आप वहां पर एक एज आपको मिल जाता है कि हाँ फिर मैं यूरो यूएसडी में एंट्री वन रादर देन कि जीबीपी यूएसडी, क्योंकि फिर अगर आप उस चीज को यूज नहीं करेंगे फिर आपको आइडिया नहीं है किस बेस पे आप डिसाइड किया, तो फिर आपका सेटअप बहुत परफेक्ट, कौन से में बहुत ज्यादा परफेक्ट बन रहा है, कहां पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कम मिल रहा है या रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, जो सारी चीजें हैं क्राइटेरिया आप चेक करेंगे उसके बाद फिर आप देखें, पर उसमें आप एक्स्ट्रा इस तरीके से स्ट्रेंथ मीटर का भी लगा सकते हैं जो आपको एक फिल्टर आउट कर देगा कि हाँ फिर मुझे जीबीपी यूएसडी इतना स्ट्रांग नहीं है जितने की यूरो यूएसडी है, तो मैं यूरो में यहाँ पर एंट्री लूंगा, तो इस तरीके से आपको ये हेल्प कर सकता है। क्या क्वेश्चन हैंड रेज हुए हैं, क्या क्वेश्चन है बोलिए, अगर इस टॉपिक से यहीं पर करेंसी स्ट्रेंथ कीप चेंजिंग हाउ टू जज, अगर आप 15 मिनट 5 मिनट में इस जगह पे चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली चेंज हो, ठीक है, आप उसको हायर टाइम पे भी चेक करिए, 4 आवर में चेक करिए, डेली में चेक कीजिए, आप उसको 5 मिनट या 10-15 मिनट इसमें मत चेक कीजिए। करेंसी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी अगर आप चेक करेंगे तो फिर आप चेक ही करते रहेंगे, उसको ही चेक करते रहेंगे पूरे, ठीक है ना, डेली के बेस पे निकाल लीजिए, 4 आवर के बेस पे निकाल दीजिए और देख लीजिए क्या स्ट्रेंथ चल रही है करेंसी, वो ज्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है। और कोई हैंड रेज था किसी का बोलिए, मैं यहाँ पर अगर इसी टाइम पर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर हम एंट्री। राकेश नाई जी आपका आंसर मिल गया, आप ओके, तो यहाँ हम 4 चीजों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, हैज देयर ट्रेड्स, इंक्रीज द रिस्क, स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर करेंसी मीटर को हम यूज कर सकते हैं, तो ये 4 चीजें हैं जिस तरीके से आप इसको करेंसी कोरिलेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, हाउ कोरिलेशन चेक, ये हमने पिछले वेबिनार में बात किया था, जस्ट ब्रीफली यहाँ पर बताऊं कि हमेशा करेंसी कोरिलेशन ये नहीं कि हमेशा सेम रहेगा और एक साथ रहेगा, ये दोनों चार्ट जो थे हमने पिछले वेबिनार में भी बात की थी, ठीक है, कि कैसे कोरिलेशन, अगर एक महीने में देखें तो कितना परसेंटेज चेंज होता है, 3 महीने में 6 महीने में 1 साल में जाकर वो बिल्कुल ही थोड़ा चेंज हो जाता है या पूरा चेंज हो जाता है,
परफेक्टली कोरिलेटेड था, बिल्कुल ही -97, 95 से 89, 74 से 93, और इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों चार्ट हमने बात की थी वहां पर। तो करेंसी कोरिलेशन को हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए, एटलीस्ट डेली, वीकली या मंथली की क्या कोरिलेशन है, और कोरिलेशन को चेक करने के हमने मेथड भी बात करी थी कि किस तरीके से आप वहां पर कौन सी वेबसाइट है सब कुछ वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, अभी यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है हिसाब से, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी जो भी आप यूज करें, जो भी मैंने स्ट्रेटेजी के वेबिनार है आप वहां पर उसको देख सकते हैं, या फ्यूचर में कुछ और यूज करेंगे वहां पर हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ कोरिलेटेड पेयर, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से पेयर जो है आपके यहाँ पर कोरिलेटेड होते हैं, आप उनको देख सकते हैं कहीं पर भी चार्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें पॉजिटिवली कोरिलेटेड, सबसे पहले यूरो यूएसडी जीबीपी, दोनों एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड रहते हैं। उसका रीजन क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं एक पेन ले लेता हूं, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है, यूरो का जो रीजन है वो जीबीपी का सेम, ज्योग्राफिकली हम देखें तो वो भी काफी सेम है, दोनों एक ही आसपास हैं। पहले आपका ब्रिटेन जो था वो यूरोप में था, अब थोड़ा स्प्लिट हो गया, अब थोड़ा बाहर हो गया, पर जो उनकी इकोनॉमी है सारा कुछ वो एक तरीके से स्ट्रक्चर है। तो पहला रीजन तो मेन यही है कि आपका इनका ज्योग्राफिकली सेम रहता है। दोनों केस में अपोजिट जो आपकी करेंसी है आस्क प्राइस की वो यूएसडी है, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ज्योग्राफिकली ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये जो पेयर है यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी मोस्ट ऑफ द टाइम कोरिलेटेड रहते हैं। हाँ, जब कभी भी इकोनॉमिक कब चेंजेस आते हैं, जब कभी इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे हो जो डिफरेंट हो जाते हो, या सेंटीमेंट मार्केट का कुछ ऐसा है, या फिर जो इनके न्यूज है, जो फैक्टर्स हैं आपकी, जो फंडामेंटल्स हैं, उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, क्या मॉनिटरी पॉलिसी है, नहीं तो 80-90% ये कोरिलेटेड रहते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी जीबीपी जैसे मैंने बोला ज्योग्राफिकली मेन चीज, अगर आप यहाँ पर देखें बाकी पेयर्स में भी हम देखते हैं, ओजी यूएसडी एनजेडी यूएसडी, यहाँ पर क्या है, अगेन ओजी और एनजेडी दोनों की ज्योग्राफी क्या है, सेम, मतलब कि एक ही जगह पे एक ही रीजन एशियन मार्केट में रहते हैं, और दोनों के अपोजिट में कौन सा आ रहा है, यूएसडी पेयर। तो इसीलिए ये पेयर दोनों सिस्टर, इन्हीं पेयर को हम कहते हैं सिस्टर पेयर। तो जब ये सिस्टर पेयर्स में आप ट्रेड करें तो दोनों में एक साथ ट्रेड ना करें, अनलेस आप हेजिंग के लिए यूज कर रहे हो या कोई और पर्पज हो आपका, दोनों में एक साथ ट्रेड ना ले। तो या तो आप, जैसे हमने बात करी, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर अपना रिस्क बढ़ाने के लिए, या फिर करेंसी मीटर्स चेक करें कौन से में सेटअप आपको बेटर मिल रहा है, उसमें एक या दो में उसको ट्रेड करें। तो दोनों में सेम, यहाँ पर ज्योग्राफिकली दोनों सेम आ जाते हैं, यूएसडी आपकी बिड और आस्क में दोनों में यूएसडी आ जाते हैं, फिर यूएसडी जेपीवाई यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर दोनों में यूएसडी कॉमन है, यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी सेम नहीं है, पर यूएसडी मेजर होने की वजह से यहाँ पर ये इतना अच्छा कोरिलेशन नहीं मिलेगा जितना अच्छा इन दोनों में मिलता है। यहाँ पर ये थोड़ा, अगर यहाँ पर हम कहें 90-90 का चलता है तो यहाँ पर 70 के आसपास चल सकता है, तो वो डिपेंड करता है, फिर आ जाता है। तो मैं एक चीज यहाँ पर करना चाहूंगा, जब भी अगर आप कोरिलेशन को देखें, तो कोरिलेशन मान लीजिए यूरो यूएसडी तो ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, और दूसरा पेयर जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की तरफ चल रहा है, वो थोड़ा साइड बेस में होना शुरू हो गया, तो वहां पर इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या समझें, यूरो यूएसडी ऊपर की तरफ जा रहा है, जीबीपी यूएसडी साइडवेज में जाना शुरू हो गया ऊपर जाते जाते, इससे आप क्या समझते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा एक यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि आप इसको डीपली समझ पा रहे हैं, बताइए मुझे चैट में। यूरो स्ट्रॉन्ग पर जीबीपी ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन कम होता जा रहा है, ठीक है ना, सेशन में डिफरेंस है, यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मान लीजिए दोनों पे सिंपल यूरो यूएसडी यहाँ पर ऊपर जा रहा था, जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जा रहा था, मान लीजिए कोरिलेशन कितना था 0.90 का, अब क्या हुआ, यूरो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है पर जीबीपी यूएसडी साइडवेज में जाना शुरू हो गया, तो यहाँ पर कोरिलेशन क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो कोरिलेशन जो है वो कम होता चला जाएगा 0.80, 0.70। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप वेट कीजिए जब तक यूरो आपका बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ना जाए, ताकि आपको पता चले कि दोनों सिंक है यानी कोरिलेटेड है। तो ऐसे चांसेस आएंगे, जैसे मैंने बोला कभी भी आप एक महीना तीन महीना ऐसा कुछ नहीं, लॉन्ग पीरियड को चेक कीजिए, यहाँ लंबे पीरियड में 6 महीना 1 साल की क्या कोरिलेशन चला हुआ है। जस्ट ये नहीं कि एक महीना एक दिन का चेक कर लिया, एक वीक का चेक कर लिया, तो हम उसको चेक करना है, और हमने पिछले वेबिनार में हमने ये बात की, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको चार्ट दिखाया था। तो जब भी कोरिलेशन साथ में चल रहा है ठीक है, पर एक जगह पे दूसरे में वो आ रहा है तो कोरिलेशन कम होता चला जाता है, वही 0.90 से 0.80, 0.70, 0.60, वो चीज आप चेक करें। तो इसलिए इन फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना होता है, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी स्विस फ्रैंक के साथ, फिर ओजी जेपीवाई एनजेडी जेपीवाई, अगेन ओजी एनजेडी दोनों ज्योग्राफिकली सेम है, एशियन सेशन में ट्रेड होते हैं, दोनों सिस्टर पेयर हैं, जैसे कि ये वाले पेयर थे दोनों,
उसी तरीके से ये वाले दोनों पेयर है, दोनों के अगेंस्ट में कौन सा पेयर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोरिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर मेटल है दोनों, तो यहाँ पर ये भी कोरिलेटेड रहते हैं, इतना ज्यादा नहीं रहता पर फिर भी यहाँ पर कोरिलेशन आपको मिलेगी। दूसरा, इसके अलावा एक और एक पेयर में यहाँ पर मिस कर गया, ऑजी यूएसडी, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ कलर, ऑजी यूएसडी गोल्ड के साथ मोस्टली रहता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोल्ड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो सबसे ज्यादा मोस्टली जो प्रोडक्शन होती है वो ऑस्ट्रेलियन की होती है, और इस वजह से ये गोल्ड के साथ मोस्टली पैक रहता है। पर ये हमेशा के लिए नहीं है, वही डिपेंड करता है कि कोरिलेशन चेक करनी हो कि कितने टाइम से वो है, क्या कोरिलेशन है, पर क्या वो 0.60 है, 70 है, 80 है, 90, पर मोस्टली द रीजन क्या है, ऑजी यूएसडी गोल्ड के साथ इस तरीके से पैक रहता है, या फिर कैड आपका ऑयल के साथ जो मैंने पिछले वेबिनार में बताया था आपको जो कमोडिटी के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड। उसके बाद आते हैं आपके नेगेटिवली कोरिलेटेड, यूरो यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक के साथ। तो यूरो यूएसडी स्विस फ्रैंक के साथ रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर यूएसडी अपोजिट में है, यहाँ पर आपका बिड में है, यहाँ पर आस्क में है, और यूरो जो है और स्विस फ्रैंक जो है दोनों यूरो इकोनॉमिक जियोग्राफिकली सेम। तो अगर मान लीजिए ये आपका यूरोप है, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड उसके अंदर आ रहा है, तो मोस्टली जो करेंसी है स्विस फ्रैंक की भी यूरो से कनेक्टेड रहती है। तो यहां पर इसीलिए दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, क्योंकि यूएसडी यहां पर अपोजिट। अगर मैं यूरो यूएसडी की जगह यूरो यूएसडी ये ले रहा हूं और स्विस फ्रैंक यूएसडी को ले लू, मैं उसको उल्टा कर, तो क्या होगा? अगर यूरो यूएसडी ऊपर की तरफ जा रहा है और यूएसडी स्विस फ्रैंक नीचे की तरफ, क्योंकि हम दोनों निगेटिव में है, पर मैं अगर यूएसडी स्विस फ्रैंक को चेंज करके स्विस फ्रैंक और यूएसडी ले लू, तो क्या होगा? समझना चाह रहा हूं कि आप लॉजिक समझ पा रहे हैं, है ना आकेश नाजिक जी? पॉजिटिव। बाकी एग्री करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब यूएसडी को सेम उसकी जगह पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और सेम ही है। तो जस्ट ये पेयर का है, कॉम्बिनेशन का, और स्विस फ्रैंक यूएसडी को हम ट्रेड नहीं करते हैं मोस्टली, आप यूएसडी स्विस फ्रैंक, ये जो है मेजर पेयर, इसी टर्म से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए ये समझे आप, यूरो यूएसडी यूएसडी स्विस फ्रैंक, अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई, अगेन सेम चीज आ रही है यहाँ पर, यूएसडी अपोजिट में है तो दोनों अगेंस्ट में चलेंगे। फिर ओजी यूएसडी यूएसडी स्विस फ्रैंक, क्योंकि यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी और ओजी ये मोस्टली रहते हैं एक साथ, तो इसलिए यहाँ पर ये भी वाला भी आप देख सकते हैं, और अगेन यूएसडी आपका अपोजिट में है। फिर आ जाता है यूरो जीबीपी जीबीपी जेपीवाई, यहाँ पर जीबीपी आपका अपोजिट में है, तो डायरेक्ट निकालते हैं तो कोरिलेशन कम रहेगा, यहाँ पर 90-80, यहाँ पर थोड़ा 70-75, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर एनजीडी यूएसडी यूरो जीबीपी, अगेन सेम यही चलता है। तो इस तरीके से है ये पेयर्स, आप देखें तो पॉजिटिवली या कोरिलेटेड। अब इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी टॉप 5 पेयर्स कौन से हैं जो कोरिलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोरिलेटेड रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोरिलेटेड। तो इसमें से सबसे पहला पेयर कौन सा आता है आपका, ओजी यूएसडी एनजीडी यूएसडी, जो यहाँ पर रहेगा 87%, क्योंकि दोनों जियोग्राफिकली सेम है, एनजीडी यूएसडी इकोनॉमी मॉनेटरी काफी एक तरीके से चलती है, दोनों यूएसडी के ऊपर डिपेंड करते हैं और काफी चीजें सेम रहती हैं, इसीलिए अगर ओजी ऊपर जाता है एनजीडी भी ऊपर जाता है, ओजी नीचे जाता है एनजीडी भी, हम चार्ट में देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 87% अगर आप ऑन एन एवरेज लें साल का या दो साल का जो भी एक टाइम पीरियड लें तो ये कोरिलेटेड करते हैं। दूसरा यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी के साथ में, जैसे मैंने बात करी अगेन आपका जियोग्राफी सेम रहती है, तो 89% अगर एवरेज दें तो ये दोनों पेयर पॉजिटिवली यहाँ पर कोरिलेटेड रहते हैं। इसके अलावा फिर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हमने अभी बात करी थी यूरो यूएसडी और यूएसडी स्विस फ्रैंक, 91% चांस है कि ये बहुत ज्यादा कोरिलेटेड रहते हैं, दोनों अपोजिट में चलते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने यूरो यूएसडी को तो बाय कर लिया है और यूएसडी स्विस फ्रैंक को मतलब कि आप उसको भी बाय कर रहे हैं, मतलब कि आप दोनों अपोजिट में कर रहे हैं, अनलेस आप हेजिंग कर रहे हो, वो बात अलग है। पर अगर आपको इन चीजों का पता नहीं है, आप दोनों में सेटअप मिला और दोनों में ट्रेड ले लिया, मतलब आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं अपनी पोजिशन, अनजाने में जो आपको चीज नॉलेज नहीं है आप अगेंस्ट उसके जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यूरो यूएसडी यूएसडी स्विस फ्रैंक जब भी आप ट्रेड करें, दोनों एक साथ ट्रेड करें, तो समझे पहले उस चीज को, क्योंकि इसके लिए आप एक चीज और यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा यूरो यूएसडी यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर वो सपोर्ट तक पहुंच गया है, और मैं यूएसडी स्विस फ्रैंक में ट्रेड, मैं ऐसा करता हूँ मैं एक चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड से, ताकि आपको क्लियर हो सके। मुझे बताइएगा जब आप व्हाइट बोर्ड देख सके, मुझे बताइए जरा क्या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है?
अगर चैट में बता दें यस विजिबल है या नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सभी को माया नाम है, क्योंकि मुझे चैट में कोई मैसेज नहीं दिख रहा है या फिर हैंग हो चुका है। ओके यस यस शायद मुझे लगा मेरी तरफ से हैंग हो चुका था। ओके थैंक यू गाइस थैंक यू, मुझे लगा कुछ टेक्निकल। ओके क्या चीज मैं यहाँ पर कवर करना चाहता आप उसको जरा क्लियरली देखिएगा। मान लीजिए आपका यूरो यूएसडी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये था आपका यूरो यूएसडी। और मान लीजिए आपका यूएसडी स्विस फ्रैंक जो क्या होगा नीचे जाएगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहां पर मान लीजिए आपको कोई सेटअप मिल रहा है, आप इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं दिख रही थी या होती भी नहीं, आप सोचे कि मैं यहाँ पर इसमें एंट्री ले रहा हूं। अब दोनों एक दूसरे से 90% कोरिलेटेड है। मैं यहाँ पर इसमें एंट्री के लिए देख रहा हूँ इस चार्ट को, अगर मैं केवल इस चार्ट को देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यूएसडी स्विस बैंक में ट्रेड लेने। पर अगेन मैं इसको कंफर्म करना चाहूं, मैं देखना चाहूं क्या मैं यूरो यूएसडी से इसको कंफर्म कर सकता हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं तो वो एक रेसिस्टेंस एरिया में यहां पर ट्रेड कर रहा है जो कि एक डेंजर एरिया, चांसेस हैं यहां से वो रिवर्स करे, तो क्या मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए डाउन के लिए, यस या नो? नो, बिल्कुल ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप एक एक्स्ट्रा लेयर यहां पर लेके आ रहे हैं, कंफर्मेशन लेके आ रहे हैं कि हाँ मैं अब इसको कंपेयर, अगर मैं इसको सिंगल को देख रहा था ओके मेरा स्ट्रेटजी सारा कुछ सेटअप सिग्नल सब कुछ मिल रहा है ठीक है, मैं इसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, ले भी ले सकते हैं आप। पर अगर मैं इसको एक्स्ट्रा एक चीज लगाऊं, एक एक्स्ट्रा चीज और थोड़ा स्मार्ट बनूं कि हाँ मैं देख सकता हूँ यूरो यूएसडी हमेशा अपोजिट में रहता है, क्या वहां पर कोई डेंजर एरिया तो नहीं है? मैं वहां पर देखा तो मुझे वहां पर बिल्कुल वो रेसिस्टेंस में चला हुआ, तो या तो वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाए फिर तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो यहाँ पर ट्रेड करना बेटर नहीं रहेगा जब आपका कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस एरिया हो, एक डेंजर जोन। इस तरीके से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं और ये आपको एक्स्ट्रा लेयर देख सकता है, आपको फेक एंट्री फेक या आपको लो क्वालिटी वाली ट्रेड से बचा सकता है, ये दोनों जगह पे लग सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू, तो जैसे मैंने बोला यूरो यूएसडी यूएसडी स्विस फ्रैंक 91% कोरिलेटेड है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हरजीत जी आप कह रहे हैं रिपीट करिए, देखिए यूरो यूएसडी मैंने आपको या तो आप इसको दोबारा देख लेगा या फिर मैं आपको दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, यूएसडी स्विस फ्रैंक नीचे जा रहा है, मुझे यूएसडी स्विस फ्रैंक में कोई सेटअप मिल रहा है कि मैं उसमें सेल कर सकता हूँ, सेल की बात कर रहे हैं यूएसडी स्विस फ्रैंक में, अगर मैं उसमें सेल करने जा रहा हूँ सारे क्राइटेरिया मेरे मीट हो रहे हैं, जस्ट मुझे एक्स्ट्रा चेक करने के लिए मैंने यूरो यूएसडी को चेक कर लिया क्योंकि वो हमेशा अपोजिट में जाता है, क्या वो कहीं पर रेसिस्टेंस एरिया में तो नहीं है? अगर वो रेसिस्टेंस एरिया में है तो चांसेस या तो वो वहां पर होल्ड करे या वहां से रिवर्स करे, अगर वो वहां से डाउन जाएगा तो यूएसडी स्विस फ्रैंक जाने के क्या चांसेस है? हरजीत जी आप बताइए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपसे आंसर चाहूंगा, तो मुझे बताइए यूएसडी स्विस फ्रैंक ऊपर जाने के चांसेस है या नीचे? ओके बाकी अब बोल रहे हैं हरजीत जी आप क्या बोलेंगे आप? तो यही है फिर आप उस चीज को अवॉइड करेंगे उस फेक ब्रेकआउट में ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। विशाल मेहता जी डाउन नहीं जाएगा, आप जाने के चांसेस है क्योंकि यूरो फिर आपका डाउन जा रहा है, ठीक है। दोबारा देखिएगा जब इस वेबिनार को आप दोबारा देख सकते, तो इस चीज को समझिए, जब आप कोरिलेटेड जो अच्छे से कोरिलेटेड है या तो निगेटिवली कोरिलेटेड है उस जगह से आप देख सकते हैं, अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि दोनों पेयर आपके सेम। मैं एक बार दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। मान लीजिए यूरो क्या आप देख रहे हैं मेरा व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? ये थोड़ा स्लो चलना शुरू हो गया। ओके यूरो और जी ठीक है, मान लीजिए अगेन मैं यूरो का ये चार्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, जीबीपी भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर मेरा ये स्लो चल रहा है लैगिंग चल रहा है इसलिए थोड़ा मेरे साथ देर कीजिएगा।
यूरो यूएसडी में मुझे कोई सेटअप मिल रहा है, मैं यहाँ पर इसमें बाय करने के लिए देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ नहीं थी, यहाँ पर क्या था, ये यहाँ से करके नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पर मुझे कुछ रेसिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसमें बाय के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ से तो मुझे बाय के लिए एंट्री मिल रही है, पर जीपीपी यूएसडी अगर मैंने कोरिलेशन चेक किया, अगर वो कोरिलेशन 80-90% उसके साथ है, तो फिर मैं यहाँ पर, मुझे इसके बेस पे तो यहाँ पर ये मना कर रहा है, इसके बेस पे यहाँ पर ये कह रहा है कि हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। पर वो डिपेंड करता है, अब आपका सेटअप अच्छा है तो आप ले सकते हैं, जस्ट जीबीपी यूएसडी से आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए क्या वो दोनों साथ में चल रहे हैं, नहीं कहीं वो अगेंस्ट में तो जाना शुरू नहीं कर रहा, कहां वहां पर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस तो नहीं आ गई है। एट लास्ट मिनट ऑफ सेशन कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द टिकमिल ब्रोकर लास्ट मिनट, ओके आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो, मैं आपको टिकमिल के बारे में बताऊंगा। बाकी मैंने 3 वीडियो भी बना चुका हूं टिकमिल के ऊपर, उनका रिव्यू कर चुका हूं, अकाउंट ओपन कैसे करना है, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को ईमेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है प्रशांत। ओके चलते हैं अपने डेक। तो यूरो यूएसडी आपका निगेटिव हो गया, जीबीपी यूएसडी यूएसडी कैट ये भी, क्योंकि यूएसडी आपका अपोजिट में है तो यहाँ पर ये भी आपका निगेटिव में हो गया, या फिर आपका एक और पेयर आ जाता है जीबीपी यूएसडी यूएसडी स्ट्रेंथ। तो ये जो पेयर है मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें ऑन एवरेज 80-87-90% ये दोनों पेयर कोरिलेटेड सिंक रहते हैं एक साथ, आप ये देखिए दोनों अगेंस्ट चलते हैं यूरो यूएसडी यूएसडी स्ट्रेंथ के, जीबीपी यूएसडी यूएसडी कैट के, जीबीपी यूएसडी यूएसडी स्ट्रेंथ के, ठीक है। डीएक्सवाई इज ऑल्सो ओप टू यूरो यूएसडी योर व्यू ऑल्सो, डीएक्सवाई को भी आप ले सकते हैं, पर वहां पर वेटेज रहती है यूरो बाकी करेंसी जितनी भी उन सभी का वेटेज रहता है, तो वो एक कंबाइंड फैक्टर है, ठीक है ना। डीएक्सवाई आप नैसडेक के साथ भी देख सकते हैं, वो इन्वर्स चलता है कभी कभी, वो डिपेंड करता है कि कोरिलेशन कितनी, ठीक है ना राकेश नाथ जी, वो आपको देखना होगा कि दोनों के इन्वर्स किस तरीके से है। तो वेटेज है डीएक्सवाई का, हम उसको आने वाले फोरकास्ट में आने वाले दिनों में डीएक्सवाई को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, यूरो यूएसडी को आप देखें, जीबीपी यूएसडी को देखें, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिंक, ऐसा करता हूँ मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, हम चार्ट में ही चलते हैं उसको दिखाते हैं आपको। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था कि हमने कि वेबसाइट में देखना था कि आप वेबसाइट कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडवांटेज क्या है कोरिलेशन के और थोड़े यहाँ पर डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या है कि पोटेंशियली रिड्यूस बाय स्प्लिटिंग अक्रॉस मोर इकोनॉमी। तो आप अगर एक जगह पे ट्रेड ले रहे थे और जीबीपी यूएसडी दोनों जगह पे ले लिया है, तो आपने एटलीस्ट अगर एक आपका रिवर्स में गया तो दूसरा वहां पर रिवर्स में नहीं जाएगा अगर दोनों अपोजिट में है, तो इस तरीके से आप इस यहाँ पर अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिटर्न इंक्रीज कर सकते हैं कि दोनों एक जगह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दोनों में आपने एंट्री ले लिया, अगर पॉजिटिव में गया प्रॉफिट में रहेंगे, पर डिसएडवांटेज अगेन ये भी है अगर दोनों अगेंस्ट में गए तो आपका प्रॉफिट आपका लॉस भी ज्यादा होगा, तो आपका रिस्क भी ज्यादा वहां पर हो जाएगा। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है, इस चीज को समझें जरा। अगर मैं यहीं पर लेना चाहता हूँ इसको, दो मिनट रुकिए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है, मान लीजिए यूरो यहाँ पर थे हम, पेन को मैंने लिया, ओके ओके, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, अब ब्रोकर तो चाहता है जितने आप ट्रेड में उतना बेटर है उसके लिए, ठीक है ना, स्प्रेड वगैरह सारा कुछ। मैं यहाँ पर अगर एक लॉट ले रहा हूँ तो जो भी वो बाई या सेल प्राइस होगा एक में ही लूंगा, तो मेरे एक बार की कॉस्ट आएगी, ठीक है ना। पर अगर मैं उसको दोनों में स्प्लिट करूंगा, भले ही आपने 5-5 लॉट यहाँ पर लिए, यहाँ पर आपने 10 लॉट एक में लेने थे और 5-5 लॉट यहाँ पर आपने दोनों में अलग अलग लिए हैं, तो कौन से वाले में कॉस्ट ज्यादा रहेगी, 10 लॉट एक जगह पे लिए हैं या 5-5 लॉट दो जगह पे लिए, कौन से में आपकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। पांच पांच वाले में, यादव जी आपने 10 बोला है तो प्लीज इसको क्लियर कीजिए, 5-5 वाले में आपकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पर आप दो बार आप ट्रेड को ओपन करेंगे, दो बार जो आपको बाय सेल का डिफरेंस का प्राइस होगा स्प्रेड होगा वो आपको देना पड़ेगा, जबकि आप 10 में केवल एक ही बार ट्रेड को ओपन करेंगे वो एक बार ही, भले ही क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना। तो 5-5 वाले में आपकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है अगर आप उसको स्प्रेड करेंगे, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जस्ट अगर आप बहुत बड़े लोड कर रहे हैं वहां पर वो मैटर करता है, पर अगर छोटे लोड कर रहे हैं इतना नहीं, पर फिर भी आपको वहां पर डिफरेंस रहेगा। अगर आप ऑन एन एवरेज इस तरीके से लेते जाएं, एक महीने दो महीने बाद देखें, तो थोड़ा वहां पर आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो 10 लोड में कंपेयर टू 5-5 लोड आपकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तो वहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है, तो ये डिसएडवांटेज भी रहता है। तो अगर आप स्प्लिट करना चाहें,
तो इस चीज को भी आप ध्यान, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कौन सी फिलोसफी, किस मेथडोलॉजी को आप यूज करना चाहते हैं और उसके थ्रू ही फिर आप चलना चाहते हैं। क्या मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, क्या मैं रिस्क को इंक्रीज करना चाहता हूँ, क्या मैं करेंसी मीटर को यूज कर सकता हूँ, या मैं उसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकता हूँ कि कहीं सपोर्ट या रेसिस्टेंस है, या फिर मेरी एक जगह पे लेना है ताकि मेरी कॉस्ट ज्यादा ना हो। तो ये काफी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर आप इस वेबिनार में बताई है। होपफुली आप इसमें से कुछ अपने साथ लेके जाएंगे, उसको अप्लाई भी करेंगे और माइंड में रखेंगे जब भी आप ट्रेड लें। ठीक है, कोरिलेशन के चार्ट को मैंने बताया था, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, अगर आप देखें 3 महीने 6 महीने तो इस तरीके से आप देखें यूरो यूएसडी और जी यूएसडी के साथ कोरिलेशन रहती है, यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी दोनों सेम है। तो ये देख सकते हैं कि आप जो भी आप चार्ट देखना चाहें कहीं पर भी आप वेबसाइट मिल जाए तो उसको देख सकते हैं, या फिर आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वेबिनार में बताया था, आप कोरल फंक्शन एक्सेल में लगाइए, जो भी दो करेंसी है कहीं से भी आप वैल्यू ले सकते हैं, बैंक में से मिल सकती है, ट्रेडिंग जो बैंक की वेबसाइट है वहां से आपको पूरी हिस्टोरिकल डाटा मिल जाता है कि कौन सी कोरिलेटेड है, या पूरा 6 महीने 1 साल का डाटा लें, या फिर आप बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी ऐप है, आप उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने जो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी का आपके साथ है, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा जब आप चार्ट देख पाए, जब आपको थोड़ा चार्ट दीजिए। यस, ओके, थैंक यू। तो मान लीजिए ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, हम इसको देख रहे हैं, और मैं इसी चार्ट के ऊपर अगर यूरो यूएसडी के चार्ट को लगा देता हूं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो चार्ट दिखता है। तो जीबीपी का ये चार्ट है, मान लीजिए मैं इसके ऊपर यूरो यूएसडी का चार्ट लगा लेता, यूएसडी का आपका ये लाइन हो गई, और मैं जीबीपी यूएसडी को भी ऐसा करता हूँ, इसको लाइन बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि किस तरीके से मूव करता है। तो यूरो यूएसडी आपकी ब्लू लाइन हो गई, जीबीपी यूएसडी आपकी जो है ऑरेंज लाइन हो गई। अगर आप देखें इसको किस तरीके से अलाइन रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कहीं कहीं पर जो आप देख सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमने कहा टॉप 5 पेयर्स में रहता है, कितना ये कोरिलेटेड है। यहां से ये डाउन जाना शुरू हुआ, यहां पर ये भी, आप यहां से यहां तक अगर आप देखें दोनों रेंज चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा पीछे आके देखें, अब यहां पर कोरिलेशन थोड़ा चेंज हुआ था, यहां पर जो था आपका जीबीपी यूएसडी थोड़ा एक रेंज में चल रहा था, पर यूरो यूएसडी आपका कंटिन्यूसली डाउन और उसके बाद थोड़ा कंटिन्यूसली अप। तो यहां पर जो होगा कोरिलेशन आपका थोड़ा 90% से कम होता चला जाएगा। तो ये चीजें हम देखेंगे कि आप कितना परसेंट वो कोरिलेशन। उसके बाद यहां से देखें 7 जून से लेके 13 जून तक पूरा हफ्ता दोनों एक साथ चल रहे, तो आप दोनों में ट्रेड तो करना नहीं चाहेंगे, आप एक ट्रेड को लीजिएगा जिसमें आपको बेटर सेटअप मिले, अनलेस आप हेजिंग या आपके कोई क्या स्पेसिफिक रीजन है आप दोनों में ले। ठीक है ना, तो इस चीज को आप देखिए, इस चीज को समझिए कि किस तरीके से आपको कोरिलेशन आपको मैटर करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जगह पर दोनों चल रहे। अगर मैं और कोई पेयर लेना चाहूं ओजी यूएसडी, जैसे मैंने कहा जियोग्राफिकली दोनों सेम रहते हैं, यूरो यहां पर दोनों सेम है, यूरो जीबीपी यूएसडी, यहां पर अगर हम ओजी यूएसडी को लें, ओजी यूएसडी को मैंने ले लिया है और मैं दूसरे पेयर को हटा देता हूं, तो ये हमारा ब्लू जो है ओजी यूएसडी हो गया और इसकी जगह दूसरा पेयर हम लगा देते हैं एनजीडी। अब ये दोनों पेयर देखिए, दोनों किस तरीके से आपके बिल्कुल एक तरीके से कहीं सिंक रहते हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। यहां से प्राइस अगर आप देखें बिल्कुल, आप देखिए मूवमेंट भी देखिए, जो रिट्रेसमेंट भी होती है कितना वहां पर है, थोड़ा यहाँ पर डीप चला गया, पर वही जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सेम चल रही है कि कितना परसेंट उनका कोरिलेशन मैच कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डाउन में जा रहा है तो दोनों डाउन में जा रहे हैं, देखिए यहां से डाउन शुरू हुआ दोनों में रिट्रेसमेंट, यहां पर गया दोनों में रिट्रेसमेंट, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में फर्क हो सकता है। ठीक है ना, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट, सभी को क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पर, कि आप किस तरीके से ये कोरिलेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं ताकि आपको इजी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, चलते हैं हम अपने डेक में, ऑल क्लियर, थैंक यू गाइस। तो जस्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा, अभी आपके कोई क्वेश्चन होंगे मैं आपके डाउट लेना चाहूंगा। मेरा चैनल है फॉरेक्स सैलरी का, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं वहां पर फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो वेबिनार ये सब चीजें वहां पर जाती रहती हैं, फॉरकास्ट है सारा कुछ,
जैसे मैंने बताया कोई प्रॉब्लम आती है, आपको इश्यूज होते हैं ब्रोकर से रिलेटेड या कहीं से भी, forexsalary.india@gmail.com आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट मेरे अंडर में खोल सकते हैं, लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम आती है डिपॉजिट में विड्रॉल में आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ब्रोकर की तरफ से, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फॉलो कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पर, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझे यहाँ पर, जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमारी 4 वेबिनार की सीरीज थी जो मैंने हमने अभी कवर की, होपफुली आप इससे कुछ सीखे होंगे जो यहाँ पर कंसिस्टेंट थे। कौन कौन थे जो यहाँ पर सभी वेबिनार में थे, होपफुली आपको कुछ यहाँ पर फायदा मिला होगा कि हम जो चीजें यहाँ पर कवर की थी और आप उससे कुछ सीख के गए होंगे, उन चीजों को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और इस वेबिनार से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आकाश नायक अटेंडेंट ऑफ, थैंक यू आकाश जी अबाउट ब्रोकर। ओके प्रशांत जी क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका मुझे बता सकते हैं। ईशांत अटेंडेड ऑल, दीपांकर अटेंड, ओके थैंक यू गाइज जिन्होंने सभी ने अटेंड किया और आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं किया होगा होपफुली। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हेजिंग स्ट्रेटजी। ओके गाइज मैं इसको नोट कर लेता हूँ, हेजिंग स्ट्रेटजी को भी हम देख सकते हैं। सर पहले ही कुछ वेबिनार के बहुत जल्दी जा रहे हैं तो मैं नहीं ले पढ़ पाऊंगा। हाँ कुछ पहले वेबिनार मैंने क्या शायद अभी एक ही वेबिनार अपलोड किया है, दूसरा और थर्ड अभी नहीं है, जो आने वाले हफ्ते में आपको मिल जाएंगे वहां पर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। पुष्पकर जी हाँ थर्ड किया था, कोई नहीं नॉट येट, ओके मिस थर्ड वेबिनार हाउ सी लास्ट थर्ड। सो उसको अभी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो अभी मैं पहले सेकंड को अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीक तक शायद वो भी आपको मिल जाएगा, थर्ड और ये फोर्थ आपको मिल जाएंगे विद इन 1 or 2 weeks में आपको यूट्यूब पर। वेरी वैल्यूएबल नॉलेज, थैंक यू किसान जी। इकबाल अटेंडेड ऑल, थैंक यू जिन्होंने भी अटेंड किया होगा ऑल, तो आई होप या गुड, थैंक यू आपके फीडबैक के, लर्न अ लॉट, अटेंड ऑल, यू आर द बेस्ट, ओके थैंक यू जादव जी, थैंक यू, वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। ओके सर क्या फॉरेक्स फंडिंग अकाउंट एमएफ के लिए इंटरव्यू भी होता है? नहीं, वहां पर कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू वाली केवल एक ही फॉर्म है ओडेसिटी, वो इंटरव्यू लेती है और उन्होंने भी अब नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जहां पर इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तो बाकी किसी फॉर्म में इंटरव्यू नहीं लेते। नो वन गिव लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जादव जी आपके फीडबैक के लिए, मिलियन थैंक्स। थैंक्स सर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये भी एक टॉपिक है जो काफी टाइम से है, इसको जरूर कवर करेंगे कहीं। फ्रेक ब्रेकआउट पर एक बार जरूर बताएं, ओके उसको भी देखेंगे एक बार, उस पर एक पर्टिकुलर वेबिनार ही करेंगे। तो प्रशांत जी आप क्वेश्चन में देख रहा था, आपको ब्रोकर से रिलेटेड ही पूछना चाहते थे, आपका कोई क्वेश्चन था क्या पूछना चाहते हैं ब्रोकर से, क्योंकि मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं आपको देख सकते हैं ताकि मैं उसको कवर करूँ। बोलिंजर बैंड है, जी हाँ ये भी नोट किया हुआ है। सर बेस्ट ब्रोकर्स फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया, ये एक ब्रोकर है, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ जहां पर मैंने 3 ब्रोकर के नाम बताए हुए कि बेस्ट जो ब्रोकर है मैं उनको यूज करता हूं, तो आप उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, टिकमी लुमी में से एक है, ठीक है। उस वीडियो को देखिएगा और कंपेयर भी किया हुआ मैंने किस वजह से मैं उनको यूज करता हूं। सर आप कहाँ से सीखे हो ब्रोकर? देखिए मैं जहाँ से सीखा हूँ वो कोई फेमस पर्सन नहीं थे, तो मैंने पर्सनली हैंड टू हैंड ट्रेडिंग साथ में सीखी, तो अगर मैं नाम भेजूँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन था। एक्सनेस भी ओके है, सॉरी रेशन ये समझ नहीं पाया मैं। Q&A में कोई लिख रहे हैं कोई क्वेश्चन, गोल्ड और क्रूड को रिटेन में कौन सी पीरियड ट्रेड करना चाहिए? गोल्ड और क्रूड को रिलेशन में ऑयल की बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका पहले मैं कहूँगा कि क्या सेंटिमेंट चलेगा मार्केट में। गोल्ड ऑयल, गोल्ड क्या है अभी स्टेबल है क्योंकि अभी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही है, सेफ साइड के लिए देखते हैं। जब भी कभी स्टॉक या कहीं पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है ना, तो सेफ साइड के लिए गोल्ड में जाते हैं, नहीं तो जब यहाँ पर ऑयल काफी वॉलेटिल चला हुआ है, काफी रीजन है वॉर सारा कुछ, तो वहां पर उनको ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चेक कीजिए कौन से मार्केट में क्या सेंटिमेंट है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। दोनों ही वॉलेटिलिटी रहते हैं, काफी मूवमेंट रहती है, तो केयरफुल उनको ट्रेड कीजिए। इंडिया में लीगल है क्या? देखिए इंडिया में लीगल वाले मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, जब आप इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेजते तो उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। सर ब्रेक ब्रेकआउट लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन स्टॉक फंड, ओके वन थिंग आई वुड लाइक टू से योर कॉन्टेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड डीपली नॉलेजेबल, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू आपकी फीडबैक के लिए। ये सिखा मैं वो रहा हूँ जो चीज आप अप्लाई कर सकते, मैं थ्योरेटिकल यहाँ पर नहीं समझाना चाहता या कोई बुक खोल के यहाँ पर बैठ जाऊँ और वो थ्योरेटिकल टॉपिक बढ़ाता रहूँ, डीप में जाता रहूँ, अप्लाई नहीं कर सकते, फायदा क्या, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। जो चीज अप्लाई कर सके प्रैक्टिकल हो और आपके काम आए, जो आप यहाँ पर आए टाइम पे वेस्ट, ठीक है। तो वही चीज मेरी एक कोशिश रहती है कि आप कुछ सीख लें। फंडामेंटल को कैसे यूज करते हैं? फंडामेंटल के ऊपर काफी वीडियो वेबिनार बनाए हैं, 2 या 3 वेबिनार, उनको भी और डीप में जाएंगे तो और आगे जाके हम
टॉपिक बाय टॉपिक उनको कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ फेक ब्रेकआउट। ओके सांची, लाइव चैट पर ट्रेड कैसे करें वो प्लीज बड़ा वीडियो बनाए, ठीक है? अगर हम देखिए लाइव सेशन हुआ है अगर हम महीने में, तो हम वहां पर देखेंगे उनको, ठीक है? सर आपने रेसिस्टेंस जोन मतलब डेंजर जोन बताया, क्या वही रेंज है? तो कैसे ट्रेड करें प्लीज वन वेबिनार। ओके उसको भी देख सकते हैं सर। COCH क्या है? मैं समझ नहीं पाया इसका पूरा, क्या कोई इंडिकेटर है, आप किसकी बात कर रहे हैं? सीएमएस प्राइम रिव्यू, ओके नोट कर लिया है। तो कोई रिव्यू अगर करने होंगे तो आने वाले दिनों में वो भी कर लूंगा, तो जो भी है क्योंकि मैं इनको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इनको नोट डाउन कर लूंगा, बाद में इसको देखूंगा, जो भी टॉपिक होंगे इनको हम देख लेंगे, ठीक है? अभी कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट है। जादव जी, फर्स्ट वी हैव टू लूज इन ट्रेडिंग, देन वी विल गेट डिफरेंट प्रॉफिट। आई अंडरस्टूड दिस, ग्रेट, थैंक यू जादव जी सर। सप्लाई एंड डिमांड, ओके दीपांकर जी। सर प्लीज आप वीकली चार्ट एनालिसिस में NAS 100 भी ऐड करिए। ओके उसको भी ऐड करूंगा, ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट वीक, जो मैंने बोला मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, जुलाई से हम दो फोरकास्ट करेंगे, एक में हम फॉरेक्स के पेयर ले लेंगे, बाकी दूसरे में हम बाकी पेयर्स को ऐड करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा वहां बाकी पेयर्स को ऐड करूंगा, तो जो वहां पर अगर कोई आप ऐड करवाना चाहे कर सकते हैं, पर उसके लिए ये नहीं कि एक ही 2% कह रहे हैं, बाकी पर्सन भी चाहते हैं तो भी मैं ऐड करूंगा, नहीं तो हम बढ़ाते जाएंगे तो इतना लंबा लिस्ट हो जाएगी, वीडियो भी इतना बड़े हो जाएंगे, कोई फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप कहाँ रहते हैं? देखिए मैं इंडिया में रहता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ बाहर, तो दिल्ली साउथ में भी है, ठीक है? सर इंडिया में ट्रेड कैसे करें, माइंडसेट क्या होना चाहिए? इंट्राडे में ट्रेड कैसे करें, माइंडसेट क्या होना चाहिए? कर जी मेरे पॉडकास्ट के जो 10 स्टेप्स हैं उसको सुनिएगा, और वहां पर काफी 10 जो स्टेप्स हैं वो बताए हुए हैं कि जो आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, 10 स्टेप बिकम ए बेटर ट्रेडर, पॉडकास्ट को सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या फीडबैक है, ईमेल में ही बताइए, ठीक है? बहुत जल्दी जा रहे हैं, मैं शायद नहीं कवर कर पाऊंगा। सर इंट्राडे के लिए एनालाइज टाइम फ्रेम, एंट्री टाइम फ्रेम क्या बेस्ट है? 1 आवर कर सकते हैं, उससे नीचे जाएंगे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, अगर आपका माइंडसेट, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, एडवांस ट्रेडर नहीं है, तो फिर इश्यू रहेगा, तो 1 आवर पे स्टिक रहिएगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एडवांस है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं फिर आप नीचे जा सकते हैं। सर कोई ब्रेकआउट फेल होने पर रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं क्या? सर वो देखिए आप ये नहीं कि आप जस्ट माइंड साइकोलॉजी ये है कि सेटअप कुछ और था, ट्रेड कुछ होना शुरू कर देते हैं, तो केयरफुली उस चीज को देखिएगा। DX is long awaited in forex forecast. Yes, okay जी, definitely हम उसको ऐड करेंगे। Binary trading safe है क्या? मैं उसको advise नहीं, मैं उसको करता हूँ तो मैं उसके बारे में ज्यादा यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा। Thanks everyone, thanks a lot. Okay, thank you Akesh जी। Account management service के बारे में बताइए, तो मैं किसी को यहाँ पर advise नहीं कर सकता, तो जो चीज मैं यूज नहीं करता उसको नहीं, पहले मैं करता था पर वो कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं करता था, वो अब मैं नहीं करता हूँ, और किसी को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी का लॉस हो जाए मेरी वजह से कि मैंने रिकमेंड किया था, वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज केयरफुली। मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं कोई कॉल नहीं देता हूँ, अगर कोई कहीं पर टेलीग्राम या कहीं पर फेक चैनल बने हुए जो सिग्नल दे रहे हैं, प्लीज कोई वहां पर कोई पैसा मत दीजिए, मैं कोई यहाँ पर सिग्नल या कॉल नहीं देता। बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? कवि चौधरी जी पॉडकास्ट की सीरीज आपके लिए, वहां पर आपको आंसर मिलेगा, उसको सुनिएगा जी, डीपली कवर किया हुआ है कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भी यहाँ पर ये 4 वेबिनार की सीरीज में हमने अटेंड किया था, जो मिस कर गए हैं यूट्यूब पर आने वाले हफ्तों में आप उसको यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, ठीक है? और हमारे जो नेक्स्ट वेबिनार की सीरीज होगी उसके रिगार्डिंग आपको टिकल की तरफ से ईमेल आ जाएगी, आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा वहां पर हम लाइव सेशन को ऐड कर सके, तो जस्ट मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता था कि हम क्या हम लाइव सेशन करना चाहें, आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम वहां पर उसको ऐड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून रहिए, और अगले महीने फिर हम नेक्स्ट वेबिनार की जो सीरीज होगी उससे अपडेट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू एंड गुड नाइट।